आपको कक्षा 5 की पुस्तक हिंदी व्याकरण में पाठ 5 संज्ञा के विकार समझाने जा रही हूँ। संज्ञा शब्द विकारी होते हैं, इसलिए प्रयोग करते समय इनके रूप में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। संज्ञा में विकार 3 कारणों से होता है, पहला लिंग, दूसरा वचन और तीसरा कारक। पहले हम लिंग को समझते हैं। शांति निकेतन विद्यालय में वृक्षारोपण दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत विद्यालय के सभी छात्र छात्राएँ व शिक्षक शिक्षिकाएं एक एक पौधा लगाएंगी। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य जी ने भूतपूर्व प्रधानाचार्य जी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। उपरोक्त अनुच्छेद में आए रंगीन शब्दों से पुरुष जाति व स्त्री जाति का बोध हो रहा है, जैसे पुरुष जाति छात्र शिक्षक प्रधानाचार्य और स्त्री जाति छात्राएँ शिक्षिकाएँ प्रधानाचार्या। संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो वह लिंग कहलाता है। लिंग के भेद, लिंग के दो भेद होते हैं, पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। पहले हम पुल्लिंग को समझते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु आदि के पुरुष होने का बोध हो पुल्लिंग कहलाता है, जैसे क्षत्रिय, नेता, साधु, मोर आदि। स्त्रीलिंग, संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु आदि के स्त्री होने का बोध हो स्त्रीलिंग कहलाता है, जैसे शतराणी, नेत्री, साध्वी, मोरनी आदि। लिंग की पहचान, प्रायः ये देखा गया है कि प्राणियों के लिंग समझने व बताने में कठिनाई नहीं होती, किंतु कभी कभी कुछ निर्जीव वस्तुओं के लिंग निर्धारण में कठिनाई होती है। उनका लिंग वाक्यों में प्रयुक्त होने के बाद ही ज्ञात होता है, जैसे कक्ष बहुत छोटा है तो ये पुल्लिंग, कक्षा बहुत छोटी है ये स्त्रीलिंग। यहाँ प्रयोग के आधार पर लिंग निर्णय संबंधी कुछ नियम दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। पुल्लिंग शब्दों की पहचान, महीनों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, गृहों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, वृक्षों के नाम, रत्नों के नाम, अनाजों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। जिन शब्दों के अंत में आ, अक, दान आदि आते हैं वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे नल, सांप, पाठक, फूलदान आदि। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान, भाषाओं के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, बोलियों के नाम, नदियों के नाम, तिथियों के नाम, लिपियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में ई, आरी, इया आदि आते हैं वह प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गाड़ी, साड़ी, पिचकारी, खटिया आदि। आइए ये भी जानते हैं, कुछ शब्दों के साथ नर या मादा लगाकर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, जैसे नर खरगोश, मादा खरगोश, नर मच्छर, मादा मच्छर। निर्जीव वस्तुओं का भी लिंग होता है, इनके लिंग का निर्धारण क्रिया द्वारा किया जाता है, जैसे पानी फैल गया है पुल्लिंग, मेज टूट गई है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम, आइए चलिए इन्हें भी जानते हैं। बड़ा आ बड़ी ई जोड़कर, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है प्रिय पुल्लिंग, और इसका स्त्रीलिंग कैसे बना, प्रिया, प्रिया, इसमें हमने क्या जोड़ा है, बड़ा आ। अध्यक्ष, अध्यक्षा, इसमें भी हमने आ जोड़ा है। इसी प्रकार इया या इन जोड़कर, जैसे कि आप नीचे लिखा हुआ देख रहे हैं बंदर, बंदरिया, इसमें हमने क्या जोड़ा है, इया यानी बंदरिया। आइन या आनी जोड़कर, हलवाई, हलवा इन, ऐसे ही ईका या नी जोड़कर, लेखक, लेखिका। मान को मति और वान को वती में बदलकर, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है बुद्धिमान, बुद्धिमती, और रूपवान, रूपमती। वचन, चलिए अब हम वचन को समझते हैं। नीचे चित्र दिया हुआ है, उपरोक्त चित्र में आपने देखा होगा शेर, हाथी, मोर, तो ये एक हैं, अनेक, चिड़ियां, बंदर और दर्शक। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद, वचन के दो भेद होते हैं, पहला होता है एकवचन और दूसरा होता है बहुवचन। पहले एकवचन को समझते हैं। जो शब्द संज्ञा की एक संख्या का बोध कराते हैं उन्हें एकवचन कहते हैं, जैसे
कोयल, पंखा, जलेबी, चाबी आदि। बहुवचन, जो शब्द संज्ञा की अनेक संख्या का बोध कराते हैं उन्हें बहुवचन कहते हैं, जैसे कोयले, पंखे, जलेबियाँ, चाबियाँ आदि। आइए इन्हें भी जानते हैं। कुछ शब्द हमेशा एकवचन के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे आकाश, जनता, वर्षा, आग, पानी, घी, क्रोध आदि। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, बाल आदि। आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे गांधी जी ही अहिंसा के पुजारी थे। एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम। आ को ए में बदलकर, जैसा कि आप देख रहे हैं आँख आँखें। बड़ा आ को छोटे ए में बदलकर बस्ता बस्ते। बड़ा ऊ या ओ में ए जोड़कर सेना सेनाएं। बड़ी ई को इया में बदलकर, जैसा कि आप देख रहे हैं चीटी चीटियां। या को या में बदलकर चिड़िया चिड़ियां। अंत में जन वृंद वर्ग लोग या गण जोड़कर, जैसे कि गुरु गुरुजन, तुम लोग, इस तरह से। अब आइए हम कारक को समझते हैं। रोहित एक सुंदर चित्र बनाया, मछलियाँ पानी तैरती हैं। जैसा कि अभी मैंने ये उदाहरण पढ़े हैं, उपरोक्त वाक्यों को पढ़ने पर उनका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। अब इन्हीं वाक्यों को इस प्रकार पढ़िए। रोहित ने एक सुंदर चित्र बनाया, मछलियाँ पानी में तैरती हैं। उपरोक्त वाक्यों में ने तथा में का प्रयोग करने से उनका अर्थ पूर्णतः स्पष्ट हो रहा है। अतः ये सभी कारक चिन्ह हैं। इन्हें परसर्ग भी कहा जाता है। इनके द्वारा ही वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से प्रकट होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है वह कारक कहलाता है। कारक के भेद। कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, तथा प्रत्येक कारक का एक निश्चित कारक चिन्ह होता है, जैसे कारक कारक चिन्ह उदाहरण यहाँ नीचे लिखा हुआ है। कर्ता कारक, कारक चिन्ह है ने, उदाहरण राम ने नई कार खरीदी, इसमें कारक चिन्ह ने है। और दूसरा कारक है कर्म, कारक चिन्ह को, और उदाहरण आप देख रहे हैं। तीसरा कारक करण, कारक चिन्ह से के द्वारा। चौथा है संप्रदान, कारक चिन्ह है को के लिए। पांचवा कारक है अपादान, कारक चिन्ह से अलग होने के अर्थ में। छठा कारक है संबंध, कारक चिन्ह का की के रा री रे। सातवां कारक है अधिकरण, कारक चिन्ह में पर। आठवां कारक है संबोधन, कारक चिन्ह हे अरे, और इनके उदाहरण आप देख रहे हैं पुस्तक में दिए हुए हैं। कारक चिन्ह लगने पर संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण तीनों के रूप बदल जाते हैं। चलिए हम देखते हैं आज हमने क्या सीखा। जो शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं वह लिंग कहलाते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है वह कारक कहलाता है। कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन कारक। आइए चलिए अब अभ्यास की ओर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। का, संज्ञा शब्द कैसे होते हैं? 3 विकल्प दिए हुए हैं, विकारी अविकारी, दोनों में से कोई नहीं। मैंने इसमें सही उत्तर पर चिन्ह लगा दिया है, विकारी होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? 3, 2 या 4? तो लिंग के 2 भेद होते हैं और यहाँ भी सही का चिन्ह लगा हुआ है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वचन। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, लिंग से आप क्या समझते हैं? यह आपको पाठ में ही इसका उत्तर मिल जाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं इसका उत्तर। पहले प्रश्न का उत्तर पन्ना संख्या 20 पर है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो वह लिंग कहलाता है, ये
यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर भी हम आपको अभी बताते हैं। पन्ना संख्या 20 पर ही प्रश्न दो का उत्तर लिखा हुआ है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अंतर। ये देखिए, यहाँ से संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु आदि के पुरुष होने का बोध हो, पुल्लिंग कहलाता है। इसमें यहाँ उदाहरण भी दिए हुए हैं, क्षत्रिय, नेता, साधु, मोर आदि। ऐसे ही ये स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु आदि के स्त्री होने का बोध हो, स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे शतराणी, नेत्री, साध्वी, मोरनी आदि। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्रश्न दो का उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, वचन की पहचान किस प्रकार होती है। प्रश्न तीन का उत्तर कि वचन की पहचान किस प्रकार होती है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है एक वचन। जो शब्द संज्ञा की एक संज्ञा का बोध कराते हैं उन्हें एक वचन कहते हैं, जैसे कोयल, पंखा, जलेबी, चाबी आदि। अभी है आपका बहुवचन। जो शब्द संज्ञा की अनेक संख्या का बोध कराते हैं उन्हें बहुवचन कहते हैं, जैसे कोयले, पंखे, जलेबियाँ, चाबियाँ आदि। इस प्रकार से वचन की पहचान होती है। ये हमारे प्रश्न तीन का उत्तर मैंने आपको बता दिया है। प्रश्न चार, कारक की परिभाषा लिखिए। कारक की परिभाषा हम अभी आपको बताते हैं। पन्ना संख्या 26 पर सबसे पहली ही पंक्ति है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है वह कारक कहलाता है। ये प्रश्न चार का उत्तर दिया हुआ है। मैंने आपको सभी प्रश्नों के उत्तर पाठ में बता दिए हैं। अब आता है आपका प्रश्न तीन, दिए गए वाक्यों में छपे रंगीन शब्दों के लिंग वचन तथा कारक बताइए। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, शिकारी ने शेर को मार दिया। तो यहाँ पर ये देखिए, रंगीन शब्द है शिकारी, तो इसका लिंग क्या है, पुल्लिंग, वचन है एक वचन और कारक आप देख रहे हैं ने, कारक है ने। कमरे में पंखे चल रहे हैं, तो लिंग है पुल्लिंग और वचन है बहुवचन और कारक है मे। मेज पर पुस्तक रखी है, लिंग है आपका इसमें स्त्रीलिंग, वचन एक वचन और कारक है पर, कारक पर। घा, बच्चे दादी जी से कहानियाँ सुन रहे हैं, तो दादी जी को रंगीन शब्द से दर्शाया गया है और लिंग है इसमें स्त्रीलिंग और वचन है एक वचन और कारक इसमें है से, मैंने यहाँ लिख दिया है जैसा कि आप देख रहे हैं। प्रश्न चार, दिए गए वाक्यों में छपे रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। सरिता का भाई डॉक्टर है, यहाँ पे रंगीन शब्द है भाई, इसमें मैंने वाक्य को पुनः लिखा है। देखिए, सरिता की बहन डॉक्टर है, इसमें हमें लिंग बदलना है तो मैंने लिंग बदल कर लिख दिया है बहन। दूसरा है, गाय एक पालतू पशु है, तो बैल एक पालतू पशु है, इसमें भी मैंने लिंग बदल दिया है। घोड़ा तेज़ दौड़ता है, मैंने इसमें भी लिंग बदल कर लिख दिया है घोड़ी तेज़ दौड़ती है। राजा राजकुमार से बहुत प्रेम करता है, तो यहाँ पर हम लिंग बदल देंगे, रानी राजकुमारी से बहुत प्रेम करती है। हमारा अगला पांचवा प्रश्न, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भूकंप से गिर गई, देखिए मैंने यहाँ पहले से स्थानों को जो है भर दिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ दो विकल्प दिए हुए हैं, दीवार, दीवारें। इन दोनों में से हमें छाँट कर एक लिखना है, जैसा कि मैंने यहाँ लिख दिया है दीवारें, भूकंप से दीवारें गिर गई। ऐसे ही दूसरा, हवा चलने से उड़ गए, क्या उड़ गए, कपड़े। इन दोनों में से एक लिखना है। और तीसरा है, कमीज में रखी है, तो किस में रखी है, यहाँ दो दिए हुए हैं, अलमारी और अलमारियाँ। इन दोनों में से एक शब्द का प्रयोग यहाँ करना है, जैसे कि मैंने कर दिया है अलमारी। अस्पताल के बहुत बड़े थे, क्या बड़े थे, दरवाज़ा या दरवाजे। इन दोनों में से एक छांट कर लिखना है दरवाजे। हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न छः, दिए गए वाक्य में उचित कारक चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। सविता देवर डॉक्टर हैं, तो इसमें कारक चिन्ह क्या होना चाहिए, के। कौन सा कारक चिन्ह होना चाहिए, के, सविता के देवर डॉक्टर हैं। इसी तरह से ये दूसरा वाला हमें करना है,
मिस्टर वर्मा भारतीय वायुसेना अफसर हैं, तो इसमें हमें कारक चिन्ह का प्रयोग करना है, के वायुसेना के अफसर हैं। इसी तरह तीसरा, मम्मी रोहिणी खिलौने लाइन, तो इसमें भी हम कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, मम्मी रोहिणी के लिए, यहाँ पे कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, के लिए खिलौने लाइन। अब हमारा ख, प्रेरणा कमरे बाहर गई, तो इसमें भी कारक चिन्ह का प्रयोग होगा, से प्रेरणा कमरे से बाहर गई। इस तरह से ये सभी अभ्यास आपको करनी है। मुझे आशा है कि आपको आज का पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।